हेलो बच्चों, आज मैं कुछ और प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूँ। आप उनको लिखेंगे और समझेंगे। स्कूल में एक खेल क्लब में शामिल होने और इसको चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत होती है। इन नियमों को लिखो। उत्तर है, नंबर एक, जब हमें कोई क्लब चलाना होता है उसके नियम इस तरह से होते हैं। अनुशासन का विशेष ध्यान रखना। दूसरा है, अध्यक्ष यानी मैनेजर की बातों को मानना। तीसरा, खेल अभ्यास के लिए रोज़ शाम को आना। क्लब की देखभाल आदि के लिए कुछ पैसे हर महीने देना। सभी का सहयोग अनिवार्य होना यानी सभी को अपना सहयोग करना होता है। दूसरा प्रश्न है, जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे 2 मंजिला मकान कहेंगे। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों तिपहिया स्कूटर। जिस जगह पर 3 राहें मिलती हों तिराहा। जिसके चारों तरफ दीवार हो 4 दीवारी। ये समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा, घर के अंदर और बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखो। ये आपको लिखना है। मैंने यहाँ बना दिया है, अंदर खेले जाने वाले खेल और बाहर खेले जाने वाले खेल। आप इनको लिख लेंगे और मुझे दिखाएंगे।